यूट्यूब पर चलता है, चार दिन बैठे रहता है। वैसा पैसा का मैटर नहीं है, मैटर है रास्ते का। उस रास्ता में जाता नहीं है गाड़ी, जो हम गाड़ी को कुछ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक करते हैं अपने नए ब्लॉग में। और अपना गाड़ी लोड है बापुड़ा का, हम है अभी पेट्रोल पंप में, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। और पोजीशन कुछ इस प्रकार का है ना, इधर खराब हुआ पड़ा है, अपना गाड़ी बैक में लगेगा उल्टा साइड से, ना तो उधर से आता गाड़ी लग के चला जाता। और लोड है एक गाड़ी, देख रहे हैं अपना 27-83। इतना अरे उधर लगा हुआ है, बोले तो आप यकीन कहाँ करते हैं हम पर। सब बड़ा बड़ा आदमी का चोचला है, क्या कीजिएगा, बात मानना पड़ता है, सीधा आने से क्या होगा। और इधर से अपना गाड़ी बैक होकर लेगी, उसके बाद लेंगे डीजल, सब एक साथ ही निकलेंगे। इसको होने दीजिए पहले डब्बा गाड़ी को, उसके बाद में देख रहे हैं गाड़ी है कि लाइट है, समझ नहीं आता कहाँ है गाड़ी है कि लाइट है। हो डिम कर, देख रहे हैं कि भाई साहब का गाड़ी है, कैसा लग रहा है अपना गाड़ी को इस हालत में देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं इतना सुंदर मौसम हर एक इंसान को मिले। अरे वाह, खासकर हमारे जो ब्लॉगर साहब हैं, इनको तो और स्पेशल में ज्यादा मेरे बारे में बोल रहे हैं, देख रहे हैं सब मालिक लोग का स्वैग, देख रहे हैं कपड़ा जूता। हम लोग करेंगे शॉर्ट कट में चलते एकदम बिंदास, पर मालिक लोग का बातें कुछ अलग है। तीन गाड़ी चार गाड़ी का ऑनर, दो गाड़ी तीन गाड़ी, अभी पीछे लाइन लगा हुआ है। चलिए कोई नहीं, हम लोग भी खुश है इनसे, ऐसा बात नहीं है। पाँच को हो जाए, दस को हो जाए, बढ़िया है। सबको खुश रखना सबको जिम्मेवारी होता है ना, हर इंसान खुश रहे, तरक्की बढ़ला दर। और साथ साथ हम ये माल आया है आपका। सो गाइस, अपना डीजल डला रहा है और देख रहे हैं पूरे टोटल 6500 का डीजल था, पर अभी मतलब मीटर थोड़ा डिस्टर्ब होने का दूसरा बार डला रहा है 6130 का। अभी है 93.13 लीटर, मतलब रेट है उसका। सो गाइस, अपना थोड़ा टायर चेक कर लेते हैं, क्योंकि जाना है काफ़ी ख़राब रास्ता में। सिर्फ सुने हैं ये बाकुड़ा का रोड ख़राब है, पर भाई हम गया नहीं है इससे पहले। और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तीन दिन चलता है, चार दिन बैठे रहता है। वैसा पैसा का मैटर नहीं है, मैटर है रास्ते का। उस रास्ता में जाता नहीं है गाड़ी, जो हम गाड़ी को कुछ एक कर पाएँ, साफ़ सफाई कर पाएँ, और हाथ से उतना हो नहीं पाता है। और ये रहा अपना टायर का कंडीशन ठीक रहेगा, क्योंकि सिर्फ सुनने में आया है, खाली काफ़ी रास्ता सिंगल है, ख़राब है, पर जाने के बाद आज पता चल ही जाएगा। एक दिन का होता है खेला, इसके यहाँ का सिस्टम जो है ना, ये तीन चार जगह रोड बनता है, तो रोड हर जगह मतलब ऐसा थोड़ी होता है, आज यहाँ बना है कल वहाँ बना परसों, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब गया है तीन दो जगह तो हम देख लिया, एक जगह और तीन चार जगह साइड खुला हुआ है, वो देखने के बाद टेंशन ख़त्म हो जाता है। जैसे मतलब एक बार आज जा रहे हैं, आज फर्स्ट बार देख लेंगे, उसके बाद कल से वहाँ का टेंशन ख़त्म। तीन चार जगह तो देख लिया साइड जो बनता है, रोड का माल होता है, सिर्फ यही ईंटा है, तो बार बार तो वीडियो में दिखाते ही हैं। जाएंगे आज देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं, और क्या अपने साथ बुरा होता है क्या अच्छा होता है, सब ऊपर वाला का हाथ में रहता है। हम लोग जब गाड़ी लेकर चलते हैं तो चलिए कोई नहीं, चलते हैं, कंटिन्यू दिखाएंगे ब्लॉग में कहाँ अपने रुकना होता है, कहाँ चाय पीना होता है, कहाँ नहीं हो सकता है, ना भी नसीब में हो चाय, डायरेक्ट चलते रहे। आगे वाला गाड़ी रुकेगा तो हम भी रुकेंगे भाई, आगे वाला गाड़ी नहीं रुकेगा तो हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हमको जगह तो मालूम है पर साइड तो किधर बन रहा है वो मालूम नहीं है। चल रहे कंटिन्यू, और वीडियो पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल काफ़ी छोटा है ना, मेहनत करना पड़ता है। मतलब चैनल छोटा देख के होता है क्या, जो वीडियो देखा बोलेगा इसमें कुछ नहीं होगा, साइड हो गया, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पहले देखो एक बार क्या है नहीं है, उसके बाद कुछ होता है। सो गाइस, अपना इन वक्त पर स्टीयरिंग वाल चेक करना पड़ रहा है, स्टीयरिंग वाल तो फुल है, स्टीयरिंग वाल तो फुल है, हल्का सा खाली है,
वो उतना तो चलेगा। अपना नहीं है वो। हाँ? अपना नहीं। अरे होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। चलिए कोई नहीं। और इसको कपड़ा थोड़ा टाइट करना होगा, क्योंकि वाइली जो अच्छी होता है ना डब्बा, थोड़ा ना इसमें प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने के कारण हो सकता है प्रेशर मार के लीक भी हो जाए। और यही देख रहे उजला शर्ट है, अभी खोले हैं। ये चीज यही होता है ड्राइवर लाइफ में, गाड़ी में मतलब बढ़िया कपड़ा पहन नहीं सकते, कब किसका मतलब कौन काम आ जाए। चलते हैं, बात बहुत हुआ, हाईवे में मिलते हैं। सो गाइस, हम पंप से निकले थे और ध्यान नहीं दी अपना से जो आगे वाली गाड़ी है वो निकले के लिए हम निकल चुके थे, और इधर रुके हुए थोड़ा चाय पीने के लिए। देख रहे गाड़ी का तनाव, और हमको देख के उतरना होगा। बिल्कुल हाईवे के नज़दीक में ही है, बहुत ज़्यादा रिक्स बोले तो काफ़ी। देख रहे व्हाइट लाइन के थोड़ा सा ही भीतर है। चलो तब तक चाय पी लेते हैं। चाय बोले तो चाय तो अपना को चाहिए, और दुकान तो पूरा छका गया चाचा का, तो पता चाय दुकान में चाय मिलता है या नहीं। छोटा सा है, मिलेगा। चाचा एक चाय दीजिएगा तो दीजिए। और गाड़ी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तुरंत निकलेंगे, 10 मिनट में निकल जाएंगे। हाँ, ये मेरा कैमरा है। अच्छा, हाँ। पीछे से कौन है? पीछे से हम ही दिख रहा है, देख रहा है। आज देख रहा है ना? बात कर रहा ना का? हाँ, बात कर रहा है, ब्लॉगिंग चैनल है। हाँ, यूट्यूब पर एक हफ्ता चैनल। हाँ। वाह। चाचा को काफी पसंद पड़ा अपना काम। कोई नहीं, चाय पी के निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी शॉर्ट है। देख रहे हैं छोटा सा जगह, हम रिक्स लेना नहीं चाहते हैं, और पुलिस वाला आएगा तो थोड़ा झमेला करेगा। हम जल्दी जल्दी पी के चाय निकलते हैं। चाचा आप चाय दीजिए, वीडियो तो बनते रहता है। और चाय अपना आया और गिर भी रहा है। चाचा काफ़ी डिटेल लिए, इससे क्या होता है, पैसा आता है ये आता है। हम बोले चाचा ये सब पब्लिक का प्यार है, पैसा वैसा कुछ नहीं आता है, पैसा आएगा तब आएगा। वो पैसा मायने नहीं रखते, हम काम मायने रखते हैं। और चाय पीते हैं, उनको फ़ोन करेंगे, एक राजा मतलब नंदा नाम है, बोले ना नंदा, उसको फ़ोन करेंगे, वो आ जाएगा तो ठीक है। हमको सिर्फ टेंशन होता है अपने ने दूसरे का, गाड़ी बगल में लगा हुआ है, बाइक जाता है ये जाता है, जल्दी से वो निकल लेंगे, चाय पी कर निकल ही जाएंगे, क्योंकि हम अपने वजह से दूसरे का लॉस पसंद नहीं करते। चलिए कोई नहीं। तो गाइस, हम कोयला घाट पार कर चुके हैं और चल रहे हैं कंटिन्यू। अपना से दो गाड़ी हमसे आगे आगे चल रही है, मतलब हमको जगह तो मालूम नहीं है, इसलिए आगे आगे रखे हुए हैं और चल रहे हैं शांति से, उतना कोनो ये चाप नहीं है। सब पहुंचेंगे, मशीन गाड़ी तो खाली करता है, खाली का कोई तो असुविधा है नहीं। अपना लाइट को थोड़ा कम जोड़ है, दो ठो लाइट है ना, उधर से लाइट आती है तो आँख पर पड़ता है डायरेक्ट। अब फूट में भी बेसी पेड़ पौधा नहीं होने के कारण उधर का लाइट इधर आता है, पेड़ पौधा रहता तो उतना नहीं आता। अब चल रहे हैं कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ रुकना होता है कि कंटिन्यू चलते रहते हैं। गाइस, हम घटाल से थोड़ा ही दूर मतलब कि ब्रिज के नीचे से दाहिने लेके आए थे, 5 किलोमीटर लमसम आए होंगे, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब। एक तो सिंगल रास्ता देख रहे हैं, सिंगल बहुत एक गाड़ी उधर से आ जा सकता है, और पूरा रास्ता ख़राब, पता नहीं कितना किलोमीटर ऐसा रास्ता होगा। बिल्कुल गाड़ी 2 नंबर 1 नंबर ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं रास्ता। ऊपर से हम लोग का हेडक रहता है बंडल टूटने का, जो गाड़ी पर लोड है वो टूट जाएगा तो और ख़राब हो जाएगा।
देखते हैं कहाँ तक ऐसा है, थोड़ा दूरा न पूरा है। सो गाइस थोड़ा देर आने के बाद रुके हुए ड्राइवर सब चेक कर रहा है क्योंकि काफी रास्ता खराब था ना, बंडल वंडल भी चेक करना है और गाड़ी बढ़िया से देख के उतर रहे हैं क्योंकि सिग्नल रास्ता आपने हम ब्रेक लेंगे है, मुश्किल थोड़ा हो रहा है। देखते हैं जल्दी यहाँ से निकलने का कोशिश करें, लग रहा है पूरा जाम लग जा रहा है। टायर तो बढ़िया है, बंडल एक बार चेक करने जरूरी है, थोड़ा सा कंडीशन में है, मतलब क्या ही बोला जाए, रास्ता मतलब पूरा खराब है, हर बार टायर का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं गिट्टी उट्टी मार दे तो फिर असुविधा हो जाएगी। और अपना एक ही लाइट जलता है नीचे वाला, एक फ्यूज उड़ गया उसका और दो सामने का जल रहा है, देख रहे हैं गाड़ी का पूरा तरार, आगे एम्बुलेंस गाड़ी लगा हुआ वहाँ लगा दिए, थोड़ा आगे बढ़ाता चलेगा भाई। चलो 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 हाँ चलो ना, कहीं और चाय पियेंगे, यहाँ जगह नहीं है ढंग का, चलेगा हाँ क्या हुआ, कौन आ गया हुआ, अरे तो गया हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाओ इधर, थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है जगह का, देख रहे हैं एम्बुलेंस लगा हुआ है सामने। विशाल जी, विशाल जी का क्या ही बोला जाए गुरु, हम लोग का यही विशाल जी, विशाल जी हथियार लेकर उतरना पड़ता है क्योंकि रोड से काफी डर लग रहा है, अभी तो यहाँ पे ठीक है ना, अभी और डेंजर है, अभी और डेंजर है, क्या है गाड़ी का लुक चेक कीजिए, देख रहे हैं लाइट इतना लगाया हुआ है, इधर जीरो पावर का होगा सब लाइट, देखो हम कब तक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, हो सकते हम कंफर्म नहीं कह सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, हम छोटा गाड़ी लेकर घूम रहे हैं 10 चक्का, क्या करें चाय पीना है ना चलना है, चलो यार लेट मत करो, काफ़ी ख़राब रास्ता में लगा हुआ गाड़ी और सफर में बार बार गाड़ी बंद करना हमको अच्छा नहीं लगता है, लाइटें वाला गाड़ी चल रहा है, हाँ ये रोड में काफ़ी सब एक्सपेंसिव गाड़ी सब चलता है, हम लोग का तो भाई नॉर्मल है, क्या बोला यार, चलेगा चलेगा चलो चलिएगा हो। सो गाइस सपना यहाँ से चलने का प्लान बना है क्योंकि रास्ता जो मोड़ है यहाँ पे मोड़ टाइप का रास्ता है हल्का और मतलब काफ़ी विकसी है, इसलिए थोड़ा नहीं रुकना हम चाहते हैं, मतलब वो लोग तो रुकना चाहता था पर हम ही कोशिश किए भाई चलो यहाँ से रुकना सही नहीं है, और केबिन का लाइट जल रहा है इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, अब थोड़ा ड्यूटी जा रहा होगा, इस रोड में हम फर्स्ट बार आ रहे हैं, पता नहीं आए कैसा रास्ता होगा, आगे तो बोल रहा है और ख़राब है, चलते हैं पीछे पीछे, अंधेरा अंधेरा, एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं है इसमें, और जैसा सोचा था बोला गया था वैसा ही रास्ता है भाई, दो नंबर से वैसी लग नहीं रहा है गाड़ी में, मतलब इतना रास्ता खराब होगा एक्सपेक्ट नहीं किया, अब पूरा बोल रहा है ऐसा ही रास्ता है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, थोड़ा दूर कहीं काम चल रहा है कहीं रोड खराब है। सो गाइस हम कुमारपुकुर पहुंच चुके हैं और ये रहा बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड है और अपना गाड़ी तीनों चारों लाइन में लगी हुई है और चल रहे हैं, थोड़ा
चाय पी हमने, क्योंकि रास्ता काफी सिंगल था, गाड़ी चलाते चलाते हैरान हो गए। देख रहे हैं बस स्टैंड, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। 20 किलोमीटर तो और ही बता रहा है नंदा अपना भाई साहब, क्योंकि हम फर्स्ट बार जा रहे हैं और चाय थोड़ा पियेंगे यहाँ से निकलेंगे। ऐसा ही रोड सब तरह मिला, सिंगल 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 सिंगल, पूरा 100 किलोमीटर। मैच नहीं खेल रहा है, चाय पी के जल्दी चलो। ठीक ना, बैगन लेगा हो? हाँ बैगन ले भी, बहुत फ्रेश फ्रेश हो। हाँ ले लो बैगन लेगा, सब्जी कल बनेगा ले लो। देख रहा है ताज़ा माल है, लेगा? अरे रहा दुकान भाई साहब, रात भर सोए नहीं है दादा। चार दिन तीन टे होते हैं। वाह आ रहा है, वो हो सकता है वो आगे जाने का किराया कम होंगे। चलिए कोई नहीं, दिखाते हैं। गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ जाम लगने का तो थोड़ा खतरा ज़्यादा है, क्योंकि यही रोड का काम चल रहा है और अपना गाड़ी इधर साइड की है, और सुबह सुबह तक खाली नहीं हुआ तो हटाना भी पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि एक दुकान के सामने लगाए होंगे। देख रहे हैं मार्केट पूरा है और इधर लगाए हैं, और पीछे वो गाड़ी को मस्त जगह मिला, उधर कुछ नहीं है, उधर भी करकट उरकट का दुकान है। पर देखिए सुबह तक खाली हो जाए, मतलब 9 बजे तक खाली हो जाएगा तो 9 बजे दुकान थोड़ी खुलता होगा। और एक गाड़ी उधर आगे लगी हुई है और इधर मेरा, और दो गाड़ी पीछे, और यहाँ से करते हैं अपना ब्लॉग को एंड, क्योंकि अभी बज रहा है रात, मतलब भोर हो गया, 4 बज रहा है। मॉर्निंग बोले या क्या, सुबह मॉर्निंग का 4 बज चुका है। और यहाँ से करते हैं अपना ब्लॉग को एंड, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है।